हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त रीटा और आप देख रहे हैं नेटवर्क एंटरटेनमेंट। वैसे तो बड़े बड़े सेलेब्स के, फेमस पर्सनालिटीज़ की लाइफस्टाइल मैं आपके लिए लेके आती हूं, लेकिन आज जिनकी लाइफस्टाइल मैं आपके लिए लेके आई हूं वो थोड़े से अलग हैं। वो है ट्विटर के नए CEO, जानते होंगे आप नाम, पराग अग्रवाल। जी हाँ, आज उन्हीं के लाइफस्टाइल के बारे में हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये पराग अग्रवाल हैं कौन, कहाँ रहते हैं, कहाँ इनका बर्थ हुआ है, फैमिली में कौन कौन है, कैसे बन गए ट्विटर के CEO, बहुत बड़ी बात है। उसकी लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे, ये भी जानेंगे कि उनकी नेटवर्थ क्या है, कितना पैसा कमाते हैं आखिरकार ट्विटर के CEO, सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में आपको। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और कॉमेंट ज़रूर करना। चलिए जानते हैं पराग अग्रवाल की पूरी लाइफस्टाइल। क्या आप जानते हैं कि पराग अग्रवाल जो हैं उनसे पहले ट्विटर के CEO कौन थे? नाम आपको याद होगा, जैक डोर्से। जी हाँ, अब जो हैं वो हैं पराग अग्रवाल CEO हैं ट्विटर के। अब जो है हम जानेंगे कि इनके बारे में जानेंगे कि कैसे ये एक इतनी बड़ी कंपनी ट्विटर के CEO बन गए। टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर ये काम कर रहे थे और अचानक से ये CEO बन गए। अचानक से रातों रात तो कुछ होता नहीं है, ज़रूर पराग अग्रवाल ने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से डोर्से ने उन्हें CEO बना दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तौर पर 2011 में पराग अग्रवाल ने कंपनी को ज्वाइन किया था। 2017 में उन्हें टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया और उसके बाद उन्होंने एक शानदार काम किया और उन्हें यहाँ से एक नया रास्ता मिला, एक नई उड़ान मिली। बताया जाता है कि पराग अग्रवाल डोर्से के सबसे फेवरेट थे और कंपनी में पराग ने बहुत ही बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं, एक गुड डिसीजन मेकर थे पराग अग्रवाल, और जैक डोर्से ने उन्हें बना दिया ट्विटर का CEO। कंपनी के CTO पराग अग्रवाल मार्च 2018 में बने। उसके बाद कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पराग अग्रवाल की एक्सपर्टीज थी, एड नेटवर्क्स तो उनकी चुटकियों का खेल था और इन दोनों की ही कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इसी वजह से पराग ने एक बहुत ही अच्छी इमेज अपनी क्रिएट की। उन्होंने शुरुआत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया था। 2016 और 17 में उनके इंजीनियरिंग वर्क की वजह से उनके कंपनी का जो रेवेन्यू था और कंज्यूमर परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही शानदार रही थी, ऑडियंस ग्रोथ भी बहुत अच्छी बढ़ी थी और इसकी वजह से पराग ने एक अच्छी इमेज क्रिएट की। कंपनी की हाल की कामयाबियों में पराग का एक बहुत ही अच्छा रोल था और उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए पराग अग्रवाल ने जिसकी वजह से कंपनी को एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। इससे पहले वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं, उसके अलावा याहू में अपना एक बहुत ही बड़ा योगदान वो दे चुके हैं। अब जानते हैं कि पराग अग्रवाल कितना कमा लेते हैं। सबसे पहला और सबसे आखिरी सवाल तो यही अटक जाता है कि भैया इनकी सैलरी कितनी है। एक रिपोर्ट बताती है कि उनकी बेसिक सैलरी जो है वो $1 million है, यानी कि करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए। कंपनी के बोनस प्लान का भी पराग हिस्सा होंगे। टारगेट बोनस से पराग को उनकी सैलरी का 150% दिया जाएगा। द सन की रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो पराग की नेटवर्थ जो है वो है $1.52 million। पराग की स्कूलिंग एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से हुई है। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पराग अग्रवाल ने IIT बॉम्बे से की और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया। पराग की वाइफ विनीता अग्रवाल एक वेंचर कैपिटलिस्ट और फिजिशियन के तौर पर काम करती हैं। दोनों का एक प्यारा सा 3 साल का बेटा है। पराग अग्रवाल ट्विटर की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते उससे पहले ही कंपनी की तरफ से कई सारे फीचर्स लॉन्च कर दिए गए। इसमें स्पेसेस, लाइव ऑडियो, ट्विटर ब्लू, एक प्रीमियर और भी बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं जिसके लिए कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की और बहुत अच्छा उन्होंने वर्क किया। पराग अग्रवाल एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हैं बाय नेचर, बाय हिज पर्सनालिटी। खुद ट्विटर के पुराने CEO जैक डोर्से ने अपने ट्वीट पे लिखा, बहुत तारीफ है उनकी की, उनको बहुत विश्वास है पराग पे, ये कहा और बहुत कुछ उन्होंने लिखा। तो आपको पराग कैसे लगते हैं जो कि अब CEO हैं ट्विटर के? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।